सो so, सबसे पहले देखते हैं कि वर्ड बजट होता क्या है सब लोगों को बताए बजट मतलब जो इनकम आ रही है और जो हम खर्च कर रहे हैं उनके जो पूरी डिटेल होगी उनका जो समेसन है दैट इज कॉल्ड बजट सो बजट को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं इस तरीके से एक होता है एक्सपेंडिचर पार्ट और दूसरा होता है रेशिप पार्ट रेसिप्टिसिप्ट मीन एस्टिमेटेड इनकम फ्रॉम सोर्सेस अभी सरकार को इनकम कहां से आ रही है तो दो जगह से आ रही है एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट दूसरी होती है कैपिटल रिसिप्ट देन रेवेन्यू िसिप्ट को अगेन क्लासिफाई कर सकते हैं एक होता है जो टैक्स रेवेन्यू जो हम टैक्स पे करते हैं उससे सरकार को जो इनकम होती है वो और दूसरी होती है नॉन टैक्स रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू को भी दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस ओके तो ये पूरा जो क्लासिफिकेशन है उसको भी पूरे डिटेल से देखना है एक बार सबसे पहले देखते हैं रिसिप्ट के बारे में जिसको हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट Revenue receipts are those receipts that neither create liability.

revenue receipts and they are regular and recurring in nature while capital receipts are those receipts that either create a liability or results in the reduction of the government assets ठीक है मतलब ऐसी चीजें जिससे सरकार जिससे सरकार के पास पैसे आ रहे हैं पर उससे सरकार पे लायबिलिटी बन रही है कि उनको फ्यूचर में वापस देने हैं तो इस तरीके से सरकार एक लायबिलिटी क्रिएट कर रही है और रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट सर सरकार अपनी जो एसेट्स से है उसको सेल करके जो इनकम आएगी ठीक है उसके कारण उसकी एसेट में रिडक्शन होगा तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल एंड एंड दे आर नॉन नॉन रिकरिंग इन नेचर तो पूरे को एग्जांपल्स के साथ देखते हैं आगे जैसे बात की रेवेन्यू रिसिप्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं एक होता है टैक्स रेवेन्यू एंड दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू को अगेन दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस दूसरा होता है डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है तो प्रॉपर्टी और इनकम ऑफ एनी इंडिविजुअल कोई को नहीं है ठीक है तो उसको डायरेक्ट बोलेंगे मतलब ऐसा जो एक से दूसरी एंटिटी पे ट्रांसफर नहीं होता है सीधे सरकार को मिलता है उसके जो एग्जांपल है वो कौन कौन सा डेफिनेटली जो इनकम टैक्स आता है वो जो हमें पता है कि स्लॉट वाइज हमें पे करना होता है कॉर्पोरेट टैक्स वेल्थ टैक्स कैपिटल गेन टैक्स राइट तो ये सब जो होते हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं जो एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी पर ट्रांसफर हो जाते हैं जो जिसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास जीएसटी राइट right? जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स आने से पहले हमें पता है कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे सर्विस टैक्स होता, होता रहता था वैल्यू एडेड टैक्स होता रहता था राइट तो अभी वो सब मर्ज करके अभी एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया है जिसको भी हम पार्ट में डिवाइड करते है है CGST होता है सी होता है आईजीएसटी राइट right. तो इस तरीके से हम टैक्स रेवेन्यू को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में पार्ट डिवाइड कर सकते हैं तो ये जो टैक्स रेवेन्यू से जो इनकम आ रही है उससे सरकार की कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही सरकार की कोई भी गवर्नमेंट एसेट रिड्यूस नहीं हो रही है ओके तो जो के अलावा जो इनकम आ रही है वो सबसे उसमें पहले आता है इंटरेस्ट रिसिप्ट इंटरेस्ट रिसिप्ट क्या है कि सरकार ने किसी को लोन दी हुई है कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट वगैरह को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को तो कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट के साथ दी होती है तो वो इंटरेस्ट से जो सरकार को इनकम होगी दैट विल बी कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू और इंटरेस्ट रिसिप्ट ओके okay. देन होता है प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स जो पीएसयू वगैरह को होता है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी होती है वहां पर जो प्रॉफिट एंड डिविडेंड को होता है तो वो कम सरकार को भी मिलता है दैट्स प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स देन फीस हमें पता है कि सरकार बहुत सारी सर्विसेज के कारण जो सर्विसेज देती है उससे पहले वो फीस वसूल करती है सो टाइप ऑफ फीस आर ऑल्सो कॉल दी नॉन टैक्स रेवेन्यू देन फाइन्स एंड पेनल्टीज वो भी पता है जो भी फाइन्स एंड पेनल्टीज सरकार लगाती है राइट right, वो भी एक उनकी इनकम हो रही है देन एंड जो बहुत सारी फॉरेन कंपनी या फिर गवर्नमेंट से मिल सकती है सो ऑल दीज आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो सबसे पहला बेस्ट एग्जांपल है कैपिटल रिसिप्ट में रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस सरकार ने सपोज किसी स्टेट गवर्नमेंट को लोन दी थी अभी लोन जो वो रीपे कर रही है ठीक है

याद रखना है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया जो रिकवरी आ रही है वो कैपिटल रिसीव में लेना है और जो इंटरेस्ट आ रहा है वो रेवेन्यू में कंसिडर करना है दूसरे किस तरीके से कैपिटल रिसिप्ट आ सकती है दूसरा होता है बोरोइंग सरकार बोरो कर सकती है कहां से बोरो कर सकती है ओपन मार्केट से बोरो कर सकती है आरबीआई से बोरो कर सकती है फॉरेन गवर्नमेंट से मनी बोरो कर सकती है या फिर कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से बोरो कर सकती है तो उससे भी सरकार को एक इनकम आएगी बट उससे होगा क्या सरकार पे एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी कि फ्यूचर में उनको वापस देना है यहां पे इनकम तो आ तो रही है बट वो लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है इसलिए वो कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे देन है डिस इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट सरकार के पास जो भी शेयर्स वगैरह हो वो उनको सोल्ड कर देगी और उस तरीके से वो पैसे जनरेट करेगी तो उसको हम बोलेंगे तो यहां पे क्या हुआ इट्स रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एसेट ओके तो इस तरीके से सरकार ने इनकम बनाई अपनी एसेट रिड्यूस करके इसको भी हम कैपिटल में करेंगे एंड देन स्मॉल सेविंग स्कीम्स रेस किया जाए जैसे सिकन्या समृद्धि योजना है तो किसान विकास पत्र जिसमें पैसे लोग देते हैं बट वहां पर सरकार की लाइबिलिटी क्रिएट होती है कि सरकार को वापस देना है ओके okay. तो आई होप अभी आपको ये पूरा क्लियर है रेवेन्यू रिसिप्स कैपिटल रिसिप्स का फंडा नाउ बात करता है एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर को भी आप दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है दोज एक्सपेंडिचर्स दैट नाइदर क्रिएट्स एसेट्स नॉर रिड्यूसेस अ लायबिलिटी ओके okay, जहां पे सरकार की कोई एसेट क्रिएट भी नहीं हो रही है और सरकार कोई लायबिलिटी भी रिड्यूस नहीं कर रही है अपनी जैसा है वैसी सिचुएशन रख के खर्चा कर रही है मतलब ऐसे खर्चे कि जो गवर्नमेंट को जरूरी है नॉर्मल रनिंग ऑफ द बिजनेस जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट जैसे कि सरकार ने जो लोन ली हुई है जो बोरोइंग की हुई है विथ इंटरेस्ट बोरो किया होगा तो जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा दैट विल बी कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो करना ही पड़ेगा ठीक है वो ऑप्शन नहीं देना ही पड़ेगा दूसरा है सब्सिडीज जो सरकार प्रोवाइड करती है क्योंकि वो जरूरी है फॉर द नॉर्मल रनिंग राइट फूड्स फर्टिलाइजर पेट्रोल में जो सब्सिडीज दी जाती है वो देन सैलरीज पेंशन जो सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है वो भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया क्योंकि वो करना ही पड़ेगा देन ग्रांट्स वगैरह जो दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट वगैरह को ओके देन ऑफ एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज रूरल डेवलपमेंट जो सर्विस के लिए जो भी वगैरह खर्चा होते हैं सो so उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे जहां पे सरकार को कोई लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं कर रही है ना कि वो वहां पे कोई एसेट क्रिएट कर रही है ठीक है ना देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर आर एक्सपेंडिचर डेट आर क्रिएट्स एन एसेट्स और रिड्यूस इज अ लाइबिलिटी ठीक है तो यहाँ पे सरकार क्या कर रही है एक एसेट क्रिएट कर रही है खर्चा करके कि जिसके लॉन्ग टर्म में उसको बेनिफिट होगा या फिर सरकार अपनी जो लाइबिलिटी उसने ली हुई है बाय बाय क्रिएट टेकिंग कैपिटल रिसीव जो यहाँ पे रिड्यूस कर रही है इसलिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे सो फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट्स एंड जनरली लॉन्ग पीरियड एक्सपेंडिचर एक्सम्पल है रीपेमेंट ऑफ लोन सरकार ने जो लोन लिया हुआ है जो बोरो की हुई है मनी उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट सरकार को वापस देना है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर तो सेम वे रेवेन्यू में देखा था उसी तरीके सेम वे जैसे हमने में देखा था वैसे ही यहाँ पे एक्सपेंडिचर में भी आ रहा है कि जो आपका इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होगा और आपका जो प्रिंसिपल आप दे रहे हो वो रीपेमेंट ऑफ लोन कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होगा देन एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग रोड्स पावर प्लांट स्कूल्स हेल्थ सर्विसेज, सर्विस कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि उससे सरकार बाद में उसकी फीस वगैरह लेके वसूल करेगी ठीक है तो इसलिए अभी जो खर्चा कर रही है जिस तरीके से वो सरकार एसेट क्रिएट करके खर्चा कर रही है इसलिए हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे देन एक्सपेंडिचर ऑफ ऑफ लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी जो सरकार अभी खरीद तो रही है बट बाद में वो बेचेगी भी तो इस तरीके से एसेट क्रिएट कर रही है देन लोन्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट जो सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट को देगी लोन्स वगैरह नीचे में कंसिडर करेंगे देन इन्वेस्टमेंट इन शेयर जिससे आगे सरकार को एक लॉन्ग पीरियड में बेनिफिट होने वाला है ठीक है तो सरकार एक एसेट क्रिएट कर रही है इन्वेस्टमेंट करके सो आई होप अभी आपको पूरा क्लियर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंड